हाय फ्रेंड्स, ये सुराज मजदा ट्रक है। इसका वायरिंग सर्किट जला हुआ है, फ्यूज़ का फ्यूज़ बॉक्स। एक नहीं जला है, तीन जल गया था, देख सकते हैं। इधर जला, ये पार्किंग लैंप का फ्यूज़ जला है। ये सेकंड है, ये म्यूजिक सिस्टम का है। ये वाला फ्यूज़ आपका मीटर में कनेक्शन आने वाले, गेज वगैरह चलने वाला फ्यूज़ है। ये भी वायर अंदर वाइब्रेट होकर कट हुआ था, अभी इसको जॉइंट किया था, देख सकते हैं। इधर पिन है, देख सकते हैं। ये पिन से इधर फ्यूज़ का कनेक्शन रहता है। इसमें एक वायर जोड़ दिया और दूसरा वायर इसको पीछे था, वायर जोड़ दिया। और नीचे तरफ ये मोटा वाला कनेक्शन है, पैरल रहता है, एक साइड का पैरल किया, दो एक सिंगल सिंगल अलग कर दिया मैंने। आपको समझ क्या रहेगा, ये फ्यूज़ का होल्डर बोलते हैं इसको, जो कंपनी तरफ से जला हुआ रहता है ऐसे ही करना पड़ता है। ये फ्यूज़ का होल्डर का रेट 50 रुपये का एक, 50 रुपीज़ का एक फ्यूज़ होल्डर पड़ता है। अगर थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉप में अंदर फ्यूज़ मिलता भी है, थोड़ा लोग फ्यूज़ नहीं देता है। मेरे को बिना फ्यूज़ का होल्डर मिला, मैं ज़्यादा लिख के नहीं बैठा, मेरे पास फ्यूज़ है करके छोड़ दिया मैंने, क्योंकि ये पुराना फ्यूज़ निकाल के लगा सकता था। ज़्यादा टूल्स नहीं चाहिए पड़ता है इसके लिए, एक आठ का बॉक्स होना चाहिए। इधर फ्यूज़ बस रहता है, इधर ये ब्रैकेट में ये कॉल के नीचे उतर आया, काम स्टार्ट किया था। अभी पकड़ से अच्छे से मैंने घुमा दिया। अगर आपको गाड़ी, ये गाड़ी ज़्यादा गट्टा रास्ता में चलने वाला गाड़ी, इसलिए मैं इसको सोल्डरिंग भी करने वाला। मैं सोल्डरिंग किया तो काम परफेक्ट रहता है, अगर इसमें सोल्डरिंग किया तो सोल्डरिंग भी करेगा, टेप भी करेगा, टेप भी करके सब फिटिंग करेगा। मैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक शेयर कर सकते हैं दोस्तों, थैंक यू। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सोल्डरिंग किया था, सोल्डरिंग किया तो काम परफेक्ट रहता है, जल्दी टूटता नहीं, कार्बन वगैरह आके आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आता है।